नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्लम्बर माइंड से अर्जुन सिंह, आपका दोस्त। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीवीसी फिटिंग्स के बारे में, उनकी साइज, उनका दिखने का तरीका क्या होता है, क्या उसका नाम है, यह सभी हम इसी वीडियो के साथ में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि यूपीवीसी क्या है। तो यूपीवीसी है अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो खासकर प्लम्बिंग के लिए ही बनाया हुआ है, अनप्लास्टिसाइड उसमें मिला के। और इसका कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो सभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इसके फिटिंग्स है, उसकी साइज क्या होती है, किस काम में वो लिया जाता है और क्या उसका नाम होता है। तो चलिए वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लगातार आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। और चैनल को जिस भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्लम्बर माइंड पे आए उसकी जानकारी आपको मिले। और मैं बार बार कहता हूँ, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्लम्बर माइंड के नाम से, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके कोई भी मन में सवाल हैं आप वहाँ पे आके डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे पर्सनल नंबर हैं, उन पे भी आप आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत हो, आप हमें प्लीज़ बताइए, हम कोशिश करेंगे आप तक उस वीडियो को पहुँचाने के लिए। तो चलिए हम अभी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यूपीवीसी फिटिंग्स में पाइप तो सभी जानते हैं, सफ़ेद कलर का पाइप होता है यूपीवीसी फिटिंग का। और इसके दो सेडल्स होते हैं, एक तो 40 का होता है, एक 80 का होता है। तो इनमें जो ज़्यादा बेटर रहता है वो रहता है 80 सेडल्स का। उसको मार्का होता है उसका SCH, मैं आपको दिखा देता हूँ। SCH40 और SCH80, ये दो वैरायटी होती हैं इस पाइप में। जो सबसे बेस्ट वैरायटी होती है वो ये वाली होती है, 80 वाली, जिसको हम प्लम्बिंग फिटिंग में काम में लेते हैं। लगाते लोग ये भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं होती है, थोड़ी कमज़ोर होती है। ये शायद कुछ गवर्नमेंट मतलब सेक्टर के अंदर ये यूज़ में लिया जाता है, ये वाला 40 सेडल्स वाला। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सॉकेट की। ये सॉकेट है जो दो पाइपों को बीच में जॉइंट करने के काम में आता है। यहाँ पे ये लगता है, ये सॉकेट है, ये 40 का है। कंपनी का नाम नहीं लूँगा अभी मैं, लेकिन यूपीवीसी मटेरियल है, यूपीवीसी मटेरियल है। मैं यहाँ पे सारा आपको यूपीवीसी समझा रहा हूँ, यूपीवीसी का सारा मटेरियल है। और ये जो सॉकेट है, ये दो पाइपों के जॉइंट में काम में लिया जाता है। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये जो डाया है ये वाला, ये नहीं काउंट होता है। काउंट वो होता है जो पाइप का आउटर डाया होता है, उसको हम काउंट करते हैं, और इनर डाया को हम मार्केट के अंदर बोल के लेके आते हैं। तो ये मिलता है 1/2 इंच में, फिर आता है 1 इंच में, फिर आता है 1/2 इंच में, और फिर उसके बाद में आता है 2 इंच में। तो ये सब देखने वाली बातें हैं, आधा इंच में, 1 इंच में, 1.5 इंच में और 2 इंच में ये फिटिंग होती है यूपीवीसी सॉकेट की। अब इसके बाद में अगर हम चले जाते हैं 1/2 इंच, 3 इंच, ऐसे ऊपर अगर हम जाते हैं तो 4 इंच तक मिलता है, लेकिन वो यूपीवीसी के अंदर चिपकाने वाला पाइप नहीं आता। फिर उसके बाद में कॉलम पाइप स्टार्ट हो जाते हैं 2 इंची के बाद में। 2 इंची का भी कॉलम पाइप आता है, लेकिन चिपकाने के लिए अगर हम देखें 2 इंची का पाइप मिल जाता है। अब हम बात करते हैं रेड्यूसर की। रेड्यूसर क्या होता है, किसी दो एक बड़ी लाइन को और एक छोटी लाइन को कनेक्ट करने के लिए रेड्यूसर को रेड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको रेड्यूसर कहते हैं। इधर से एक मोटी पाइपलाइन आती है और इधर से छोटी पाइपलाइन निकल जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये पाइपलाइन जो है ये 2 इंच की है,
और इसके आगे हमें एक इंच का पाइप जोड़ना है। तो ये चौड़ाई ज़्यादा है, ये चौड़ाई कम है, तो यहाँ पे इस तरह से रेड्यूसर लगेगा। तो रेड्यूसर का एक डाया ऐसे हो जाएगा इसके अंदर, और फिर ये एक इंच वाले पाइप के अंदर फिट हो जाएगा। तो ये रेड्यूस पाइप को रेड्यूस कर देता है, यानी ज़्यादा चौड़ाई वाले पाइप को कम चौड़ाई वाले में जोड़ने के लिए हमें रेड्यूसर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये रेड्यूसर होता है, और इसकी जो साइज है वो भी 1/2 इंच, 1/2 इंच, 1 इंच, 1/2 इंच और 2 इंच, यहाँ तक इसकी साइज मिलती है। अब इसमें होता क्या है, रेड्यूसर की साइज किस तरह से नापते हैं वो मैं बताता हूँ। रेड्यूसर को मार्केट में हम 1 इंच, 1/2 इंच ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि रेड्यूसर की दो साइज काउंट होती हैं, एक ये और एक ये, आपको कौन सा चाहिए। अभी इसमें हमने दिखाया हुआ है कि 2 इंच का पाइप एक तरफ है और 1 इंच का पाइप एक तरफ है, तो यहाँ पे इस रेड्यूसर को हम बोलेंगे 2 इंच बाय 1 इंच। ये हो गया 2 इंच और ये हो गया 1 इंच, इसलिए आपको ये वाला रेड्यूसर इस पाइप में सेट होने के लिए देंगे। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 इंच का पाइप है और यहाँ पे हमारा 1/2 इंच का पाइप है, इसको रेड्यूस करना है हमें, तो इस रेड्यूसर को हम बोलेंगे 1 इंच बाय 1/2 इंच, ये इस हिसाब से हम इसको बोलेंगे। अब हम बात करते हैं टी की। टी का मुख्यतः काम होता है कि एक पाइपलाइन में से एक पाइपलाइन को और बाईपास करना। टी का काम हो गया, एक पाइप ये है, अब इसमें से हमें एक पाइप इधर निकालना है, तो हम इस पाइप को काटेंगे, यहाँ से काट के यहाँ पे टी रखेंगे और एक पाइप ऐसे जोड़ देंगे, तो इसका सिंबल जो रहेगा अपना ऐसा कुछ रहेगा। तो ये टी ऐसे लग गई, एक लाइन इधर निकल गई, एक लाइन इधर निकल गई, एक लाइन इधर निकल गई। अब इसकी साइज भी क्या है, इसकी साइज आती है 1/2 इंच, 1 इंच, 1/2 इंच और 2 इंच, यानी कि ये वाली साइज 1 इंच, ये वाली साइज 1 इंच और ये वाली साइज 1 इंच, ये वाली साइज 1/2 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 इंच और ये वाली साइज 1/2 इंच, और ये वाली साइज 2 इंच, ये वाली साइज 2 इंच और ये वाली साइज भी 2 इंच, ये होती है टी। अब इसी टी के अंदर एक रेड्यूसर टी भी आती है, जिसे हम रेड्यूस करते हैं पाइप को, वो किस तरह से होती है, वो होती है जैसे मान लीजिए ये 2 इंच का एक पाइप है आपका, 2 इंच का, और इसमें से आपको 1 इंच की लाइन निकालनी है, तो यहाँ पे जो टी लगेगी वो रेड्यूसर टी लगेगी, वो टी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे इसका ये टी का मार्का जो है वो 2 इंच का रहेगा, ये वाला रहेगा 2 इंच का, लेकिन ये वाला जो है वो 1 इंच का ही रहेगा, इसे हम रेड्यूसर टी कहते हैं। तो ये मार्केट में जो साइज है 2/1 इंची, इसको जैसे हम बोलते हैं वैसे मैं बताता हूँ, 2/2/1 इंची, ये हो गया 2/2 और 1 इंची। अब इसको हम देखते हैं, अगर 1 इंची बाय 1 इंची बाय 1/2 इंची, तो ये हो जाएगा 1 इंची, ये हो जाएगा 1 इंची और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 1/2 इंची। तो ये होती है रेड्यूसर टी, ये जो रहेगी ये रेड्यूसर टी भी होती है। अब रेड्यूसर टी जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे पास है एक, ये इसका जो ये जो मुँह है ये इसका छोटा रहता है, ये दो हिस्से इसके बड़े रहते हैं, इसको हम रेड्यूसर टी कहते हैं UPVC में। ये भी 80 सैडल में और 40 सैडल में आती है, ये प्लेन टी है, ये रेड्यूसर टी है, तो ये रेड्यूसर टी यहाँ पे लगेगी। अब अगर हम बात करते हैं एल्बो की, तो एल्बो हमेशा आपको पता है 90 डिग्री का आता है, इसको एक पाइपलाइन को मोड़ने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये एल्बो लगता है, ये यहाँ पे लगता है, इसका साइज भी क्या होता है, 1/2 इंची से स्टार्ट होता है, फिर 1 इंची, फिर 1/2 इंची, फिर 2 इंची, इसका साइज भी ऐसे 2 इंची तक आता है। अब इसका ज़्यादा काम कुछ नहीं रहता, इसको सिर्फ पाइप को बेंड करने का ही रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो ये होती है ब्रास्टी। ब्रास्टी का मतलब होता है कि कहीं भी पाइप में, पाइपलाइन में हमें अगर किसी भी टैप को छोड़ना है तब हमें इसके ब्रास थ्रेड चाहिए। इसे बोलते हैं MABT, यानी M का मतलब हो गया मेल, A का मतलब हो गया एडप्टर, B का मतलब हो गया ब्रास और T का मतलब हो गया थ्रेड, मतलब मेल। मेल का मतलब क्या, मेल का मतलब होता है अंदर की चूड़ी वाला और फीमेल का मतलब होता है बाहर की चूड़ी वाला। फीमेल में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये मेल है इसका मतलब अंदर की चूड़ी रहेगी और ब्रास पीतल है, थ्रेड इसकी चूड़ियों को कहते हैं और A का मतलब एडेप्टर हो गया MABT, मतलब मेल एडेप्टर ब्रास थ्रेडेड। अब इसको साइज क्या रहती है, किस काम आता है, ये मान लीजिए सपोज देन आप एक लाइन चला रहे हैं UPVC की, UPVC की लाइन में आपको यहाँ पे एक नल देना है, यहाँ पे आपको एक नल देना है जिसमें आप बाल्टी भर सकें, तो इस जगह पे आप इसको लगाओगे तब आप इसके अंदर नल फिट कर सकेंगे, इन पाइप के अंदर ये पाइपलाइन जो है जोड़ सकोगे। अब यहाँ पे आपको नल लगाने में आसानी रहेगी, ये इस तरह से लगेगा। अब इसकी जो साइज है वो साइज है ये दो हिस्से हैं और ये हिस्सा, इसको गिनती करते हैं हम, तो ये एक इंची में भी आता है, आधा में भी आता है, डेढ़ में भी आता है, दो में भी आता है, तो इसको हम बोलेंगे एक इंची बाय आधा इंची, और ये आता है फिर एक इंची बाय आधा इंची, डेढ़ इंची बाय आधा इंची, दो इंची बाय आधा इंची, दो इंची बाय एक इंची। इसकी साइज़ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख भी दूंगा जिससे आपको आसानी से पता लग जाए, क्योंकि ये इसी अकॉर्डिंग सा कुछ है। तो इस टी को, ये हिस्सा ज़्यादातर हम आधा इंची में ही काम में लेते हैं, जहाँ पे आधा इंची का नल हम लगा सकते हैं। ये वाला डाया आप दो इंची भी ले सकते हैं दो इंची के पाइप के साथ में, डेढ़ इंची भी ले सकते हैं डेढ़ इंची के पाइप के साथ में, और एक इंची भी ले सकते हैं एक इंची के पाइप के साथ में, लेकिन ये ज़्यादातर हम आधा इंची लेते हैं। कहीं कहीं पे हमें एक इंची की ज़रूरत पड़ती है तब हम इसको एक इंची वाला खरीद के हम लगाते हैं। तो याद रखना इस टी को कहते हैं MABT और ये है FABT, ये सॉकेट बोलते हैं इसको FABT। अब हमें इसको F का मतलब फीमेल, यानी कि बाहर की तरफ चूड़ियाँ रहेंगी वो फीमेल रहेगी, A का मतलब एडेप्टर, B का मतलब ब्रास, T का मतलब थ्रेड, ब्रास मतलब फीमेल एडेप्टर ब्रास थ्रेड सॉकेट, ठीक है। अब इसको FT भी कहते हैं, कई लोग FT भी कहते हैं, हम इसे अगर अकॉर्डिंग टू प्लम्बर सीखना चाहें तो FABT इसको कहेंगे। इसका जो साइज रहता है वो एक इंच, आधा इंच, दो इंच और डेढ़ इंच, ये सब रहता है। ये साइज दोनों अलग अलग रहती हैं, क्योंकि आधा इंच भी मिलता है, एक इंच भी मिलता है, डेढ़ इंच में डेढ़ इंच भी मिलता है, दो इंच में दो इंच भी मिलता है, इसी अकॉर्डिंग ये मार्केट के अंदर मिलता है। ये क्या करता है, मैंने जो पलेटी दिखाई थी उसके अंदर ये एक फीमेल की तरह उसके अंदर चली जाती है, ये देखिए ये कनेक्ट हो जाती है। इसके साथ में हमें टेफ्लोन भी करने की जरूरत पड़ती है। एक ये है जो है FT जिसे हम कहते हैं फीमेल थ्रेड। अब इसके अंदर ब्रास का नहीं है इसलिए हम इसे B नहीं कह पाएंगे, B कहते हैं इसका मतलब ब्रास हमें खरीदना है। इसके अंदर यही है, UPVC के ही थ्रेड है इसके अंदर और ये फीमेल है, क्योंकि इसके अंदर ये जो है मेल है, ये इसको मैं M करता हूँ, यहाँ पे मेल है क्योंकि इसके अंदर की तरफ ये चूड़ियाँ हैं, अब हम बात करते हैं इसकी वाटर टैंक निप्पल है, ये वाटर टैंक निप्पल जो है ये एक इंची में भी आती है, आधा इंची में भी आती है, डेढ़ इंची में भी आती है और दो इंची में भी आती है, और ये लगती कहाँ पे है आप भी जानते हैं, ये एक वाटर का टैंक है, यहाँ पे हमें कनेक्शन आउट करना होता है, वहाँ पे इसको हम इसके साथ में कनेक्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से इसका नाप का छेद निकाला जाता है, फिर ये रबड़ की रिंग निकाल के एक रिंग अंदर की तरफ और एक रिंग टंकी के बाहर की तरफ ऐसे रख के रिंग डाल के और इस चकनट को हम वापस टाइट कर देते हैं, ताकि ये क्या है आसानी से उसके साथ में अटैच हो सके।
एक ये है दोस्तों एंड कैप जिसे हम कहते हैं, जब भी पाइपलाइन हमारी एंड होती है वहाँ पे हम इसे एंड कैप को ऐड कर देते हैं ताकि पानी ना निकल सके। सपोज देन कैसे, जैसे ये लास्ट सिरा आपके पाइप का है, यहाँ से आपको बंद करना है तो यहाँ पे आपको ये कैप ऐसे लगानी पड़ेगी, तब जाके वो पानी का पाइप जो है बंद होगा आगे से। इसकी साइज भी आधा इंची आती है, एक इंची आती है, डेढ़ इंची आती है और दो इंची आती है। ये चार साइज में उपलब्ध होता है। अब इसके बाद में अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये होता है ब्रास एल्बो। ठीक है, ब्रास एल्बो है, अंदर से इसकी पीतल की चूड़ियाँ हैं, ये फीमेल है क्योंकि इसके अंदर चूड़ियाँ हैं इसलिए ये फीमेल है। और एल्बो, ब्रास एल्बो हमेशा फीमेल ही आता है, मेल आता ही नहीं है। इसकी साइज जो है आधा इंची बाय आधा इंची, एक इंची बाय आधा इंची, डेढ़ इंची बाय आधा इंची और दो इंची बाय आधा इंची और एक इंची बाय एक इंची भी होता है ये, और डेढ़ इंची बाय डेढ़ इंची भी होता है, दो इंची बाय दो इंची भी ये होता है। तो मार्केट में चार साइज अवेलेबल हैं, आप जो भी चाहें वो खरीद सकते हैं, लेकिन इसको हम ब्रास एल्बो कहते हैं। ये होता है एक यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कि इन्हीं दो पाइप को कभी भी हम खोल सकते हैं, कभी भी हम बंद कर सकते हैं, इसीलिए हम यूनियन का इस्तेमाल उसमें करते हैं। तो ये यूनियन है। अब इस यूनियन का इस्तेमाल अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर सिंपली, तो होता क्या है, ये दो पाइप हैं और यहाँ पर हमें यूनियन लगा के इसको जोड़ना है। तो इस तरह से ये यूनियन लगेगी, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हम इस चकनट को खोल के अलग कर देंगे, ये यूनियन बोलते हैं। और इसको साधारण भाषा में चकनट भी कहते हैं। तो कई लोग हैं जिन्होंने मेरे को रात में ही व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछा था कि सर चकनट क्या होता है, तो उनको बताना चाहूँगा इसे ही चकनट कहते हैं, इसे ही हम यूनियन कहते हैं। एक होता है क्रॉस ओवर बैंड, जो मेरे पास अभी है नहीं, उसकी कुछ डिज़ाइन ऐसे होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पाइप है आपका दीवार में लगाया हुआ, अब यहाँ पे आपको ऐसे पाइप एक क्रॉस करवाना है, लेकिन ये क्रॉस होगा नहीं, इसलिए इस पाइप के पीछे से जो एक बैंड निकलता है उसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर बैंड। तो वो कुछ इस तरह से होता है, तो पीछे से पाइप को निकाल देता है। और उसकी अगर बनावट हम देखें, बनावट मार्केट में मिलती है कुछ ऐसे, कुछ ऐसे भी मिलती है। मेरा एक CPVC का वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्रॉस ओवर बैंड और बाईपास बैंड, ऑफसेट बैंड किसे कहते हैं, वो इस तरह से होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको UPVC के बारे में बताया है, फिटिंग्स के नाम और उनके साइज़ के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो मिले आप उसकी जानकारी अच्छे से इस चैनल के साथ में ले सकें। और जो भी तकलीफ़ आपको प्लम्बर के रिलेटेड है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपकी हर संभव कोशिश करी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।